मध्य प्रदेश की तरह ही छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस भी इस बार के चुनावों में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने गठबंधन के लिए बाकायदा ऑफर भी दिया था, लेकिन पिछले माह कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने बसपा के साथ गठबंधन की अटकलों को खारिज कर दिया। इसके बाद अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने बसपा से हाथ मिलाया। आपको बता दें कि बसपा के संस्थापक दिवंगत काशीराम से अजीत जोगी के काफी नजदीकी रिश्ते रहे हैं। दोनों ही नेता नौकरशाही से राजनीति में आए हैं। जोगी की प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति वर्ग में भी काफी बैठ है। वहीं बसपा का भी यही वर्ग बड़ा वोट बैंक रहा है। पिछले चारों ही विधानसभा चुनावों में बसपा एक दो विधानसभा सीटें जीतती रही है। इतना ही नहीं, बसपा कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की हार का कारण बनती रही है। यही कारण है कि प्रदेश कांग्रेस बसपा से गठबंधन करना चाहती थी। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 44% हिस्सा SC/ST समुदाय का है। राज्य के अंबिकापुर और बस्तर में सबसे ज्यादा ST आरक्षित सीटें हैं। इन दोनों क्षेत्रों में कुल 26 सीटें हैं, जिनमें से 20 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। बसपा और जोगी गठबंधन का सबसे ज्यादा जोर इसी इलाके में रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यीय विधानसभा में 2013 के चुनावों में भाजपा ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की थी और कांग्रेस के पास 39 सीटें आई थी। वहीं एक सीट भाजपा के विद्रोही और एक सीट बसपा के खाते में आई थी। साल 2013 में कांग्रेस को बीजेपी से कुल वोटों के करीब 0.97% वोटों से हार मिली थी, जबकि इसी चुनाव में बसपा को करीब 5% वोट मिले थे। अगर इस बार बसपा और जोगी कांग्रेस मिलकर अपनी सीटों और वोट के प्रतिशत में इजाफा करते हैं तो वे राज्य में किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। विश्लेषकों का मानना है कि मायावती और अजीत जोगी मिलकर भाजपा को भले ही नहीं हरा पाए, लेकिन कांग्रेस को तो सत्ता में नहीं आने देंगे। उनका उद्देश्य भी यही है। वही कांग्रेसियों का ये मानना है कि अजीत जोगी और मायावती वही कर रहे हैं जो भाजपा चाहती है। दोनों पर ही कई तरह के घोटालों के आरोप हैं। जांच और पूछताछ से बचने के लिए ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं। मायावती की हर चाल भाजपा को लाभ पहुंचाने वाली है। वो खाद्यान्न घोटाला और यमुना एक्सप्रेसवे घोटाले समेत अन्य कई घोटालों में जेल जा सकती है, इसलिए उससे बचने के लिए वही कर रही है जो भाजपा चाहती है।